हाई एवरी वन, वेलकम टू लर्न विद मी. दिस इज शिलम कटारिया. टॉप 50 MCQ अपने डिस्कस कर रही हैं. PPSC NAP तहसीलदार स्पेशल क्लास है. दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आज अपने करेंगे थर्ड पार्ट. और फोर्थ पार्ट भी आएगा, वो आज ही आपको मिल जाएगा क्योंकि कल एग्ज़ाम है. अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना जरा इन क्वेश्चंस को सोल्व करके. टॉप 50 MCQ विद एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी के साथ कर रही हूँ डिस्कस. एंड आप सोल्व करके देखना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने देना, एनालिसिस करके देखना. आई मीन टू से आपने तैयारी कर ली है, कल आपका एग्ज़ाम है. इन क्वेश्चंस को सोल्व करके अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा चेक करना कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रही हैं. अपने पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन 13th तक अपन पढ़ लिया था उद्धम सिंह के बारे में, ठीक है. आज आप करेंगे क्वेश्चन 14th. अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 14th, तो क्वेश्चन क्या है. रिसेंटली ALH 8401001 वाज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू. ये एक टर्म है ALH 84001, ये क्या चीज़ है. अब जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसे तो ये आता होएगा. ओके, 2022 का करंट अफेयर है ये, आई थिंक फेब और मार्च का, ठीक है. अब बताइए ALH 84001 न्यूज़ में है, किस चीज़ से रिलेटेड है. ऐसे क्वेश्चन PPSC पूछता है. अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट न्यूज़ में है तो वो पूछ लेगा किस चीज़ से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एनिमल स्पीशीज, COVID-19 वैक्सीन, मेट्रोइड, न्यूक्लियर वेपन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसका आंसर आएगा मेट्रोइड, मेट्रोइड. ओके, अगर अपने बात करें ना, जो ALH 84001 है वो एक प्रकार का मेट्रोइड है, इसलिए ये न्यूज़ में है. सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का ये कंसेप्ट है. मेट्रोइड, मिट्योर और मेट्रोइड, तीनों में फ़र्क होता है. ये देखिए, एक होता है मिट्योर, एक होता है मेट्रोइड, एक होता है मेट्रोइड. इन तीनों में फ़र्क होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए. ये मिट्योर है, ये मेट्रोइड है. RIT जो ये आंसर है ना, इसमें RITE है. और ये एक होता है मेट्रोइड, ये है मिट्योर्स, ये है मेट्रोइड, ये है मेट्रोइड. इनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए मेट्रोइड की बात करते हैं. मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ मिट्योर्स के बारे में. मिट्योर्स, ठीक है, METEORS, मिट्योर्स. अगर मैं मिट्योर्स की बात करूँ ना, तो ये डस्ट के बने होते हैं. ये क्या होता है ना, एस्ट्रॉइड या प्लैनेट से टूट जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें ही आप मिट्योर्स बोलते हैं. ये टूटने के बाद, ये कहाँ से टूटते हैं, डस्ट के बने होते हैं. मान लो कोई प्लैनेट है या कोई एस्ट्रॉइड है, उसी से ही टूट के ये बनते हैं मिट्योर्स. ओके, एस्ट्रॉइड या प्लैनेट से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उन्हें ही हम मिट्रोइड्स बोलते हैं. ये डस्ट के बने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, डस्ट के बने होते हैं. प्लैनेट और एस्ट्रॉइड से ही टूट जाते हैं. जब ये टूट के ब्रेक हो जाते हैं ना, ब्रेक होने के बाद ये छोटे छोटे मिट्योर्स जो हैं वो क्या होते हैं ना, एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं. अब आपको पता होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेयर होती हैं. ओके, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, लेयर होती हैं. कौन कौन सी लेयर होती हैं, सबसे पहले होती है देखो ट्रोपोस्फेयर. सबसे पहले कौन सी लेयर होती है जी, ट्रोपोस्फेयर होती है. आपको समझ आ गया ना कि अभी मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ. अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए मिट्योर्स, मिट्रोइड और मिट्रोइड में तीनों में फ़र्क होता है. जो आंसर था क्वेश्चन का ALH के बारे में वो था मिट्रोइड, RITE वाला. अब तीनों में डिफरेंस क्या है, जो सिक्स क्लास की ज्योग्राफी है ना, उसमें ये तीनों में डिफरेंस बताया गया. ये कंसेप्ट सिक्स क्लास की ज्योग्राफी से आया है. अगर अपने बात करें, मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ मिट्रोइड्स के बारे में, मिट्योर्स के बारे में, मिट्योर्स, METEORS. ओके, ये मैंने बार बार इसलिए बताया, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता लगता है ना. कईयों को चीज़ें समझ आ जाती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है, बट कईयों को नहीं समझ आती, तो हमने सबको लेकर जाना है. आइए मिट्योर्स की बात करते हैं. तो मैं मिट्योर्स की अगर आपको बात बताऊं, ये क्या होते हैं ना, छोटे छोटे डस्ट के बने हुए पार्टिकल होते हैं मिट्योर्स, ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं. ये प्लैनेट या एस्ट्रॉइड से टूट कर बनते हैं और ये ब्रेक हो जाते हैं. प्लैनेट या एस्ट्रॉइड का मान लो कोई हिस्सा टूट गया तो वो मिट्योर्स बन गया, ठीक है. अब ये मिट्योर्स जब बन जाते हैं ना, ब्रेक होने के बाद ये एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं. ये मिट्योर्स एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना लेयर होती हैं. ओके, सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद होती है मीजोस्फेयर. अब मैं मीजोस्फेयर तक रुकने वाली हूँ, ठीक है. उसके बाद थर्मोस्फेयर होती है,
ऐसे करके लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, सब फिर मीजोस्फियर। क्या होता है ना, ये मिटियोर ना क्या करती हैं, अर्थ अर्थ के एटमोसफियर में एंटर कर जाती हैं, और यहाँ पे आके ना मीजोस्फियर में आके बर्न हो जाती हैं ड्यू टू हाई फ्रिक्शन। यहाँ पे फोर्स लगता है, इसलिए ड्यू टू हाई फ्रिक्शन ये मीजोस्फियर में आके बर्न हो जाते हैं। मिटियोर्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं अर्थ के एटमोसफियर में। अर्थ के एटमोसफियर में कितनी लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, जो थर्ड वाली लेयर है ना मीजोस्फियर, यहाँ पे आके बर्न हो जाता है। कई बार हमें आसमान में दिखाई देता है ना टूटता तारा, वो कोई टूटता तारा नहीं होता, शूटिंग स्टार नहीं होता, वो क्या होता है ना, जो मिटियोर्स होते हैं वो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर कर जाते हैं और मीजोस्फियर में आके बर्न हो जाती हैं, तो उसे ही हम मिटियोर्स बोलते हैं ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं आपको मिटियोर्स के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ मिट्रोइड के बारे में। अभी यहाँ पे जो लिखा है ना वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, बट मैं एक्सप्लेनेशन को जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मुझे अभी फोर्थ पार्ट भी करवाना है आपको। अगर अपने बात करें ना मिट्रोइड की, तो मिट्रोइड क्या होते हैं, मैंने आपको मिटियोर बता दिया जो कि अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर जाते हैं और मीजोस्फेयर में जाके बर्न हो जाते हैं, वो होते हैं मिटियोर्स। अब मिट्रोइड क्या होते हैं, देखो अब मिट्रोइड पता क्या होते हैं, जो अर्थ के जो ना यहाँ पे बर्न नहीं हुए, मान लो वो ठीक है वो टुकड़े ही थे, वो मिटियोर ही था, वो क्या हुआ ना, वो जो मिट्रोइड होते हैं वो ठीक है ऐसे ही अलग हुए प्लैनेट से, एस्ट्रॉइड से, बट वो ना एंटर नहीं किए, वो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर नहीं किए, मतलब यहाँ पे बर्न नहीं हुए मीजोस्फियर में, वो पहुंच गए अर्थ के सरफेस पे। मिट्रोइड पता क्या होती हैं, जो एटमोसफियर में, जो अर्थ के एटमोसफियर में नहीं बर्न हुए, वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, उन्हें हम मिट्रोइड कहते हैं। आपको समझ आ गया, मिटियोर्स क्या होते हैं, जो अर्थ के एटमोसफेयर में बर्न हो जाते हैं। कहाँ पे बर्न होते हैं, मीजोस्फेयर में, अर्थ के एटमोसफेयर की एक लेयर होती है थर्ड नंबर वाली मीजोस्फेयर में। अब मिट्रोइड क्या होती हैं, ये जो मिट्रोइड हैं वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं ना, ये अर्थ के एटमोसफेयर में बर्न नहीं होते, ये सिद्ध अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं, ये होते हैं मिट्रोइड। अब मिट्रोइड क्या होते हैं, मिट्रोइड्स अभी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। मिटियोर क्या होते हैं, जो अर्थ के सरफेस, सॉरी मिटियोर्स वो होती हैं जो अर्थ के एटमोसफेयर में बर्न हो जाते हैं मीजोस्फेयर में। मिट्रोइड वो होते हैं जो अर्थ के एटमोसफेयर में बर्न तो नहीं हुए, सीधा नीचे आ गए अर्थ के सर्फेस पे, वो मिट्रोइड होते हैं। मिट्रोइड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्ट्रॉइड, थिंक ऑफ दैम एज स्पेस रॉक। जो मिट्रोइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, टूटे फूटे पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर ही होते हैं, इन्हें मिट्रोइड बोलते हैं, ठीक है, मतलब कुछ एस्ट्रॉइड के कुछ बचे खुचे टुकड़े वैसे ही। देखो तीनों का ना एक चीज़ कॉमन है, तीनों प्लैनेट या एस्ट्रॉइड से टूट के बने टुकड़े ही होते हैं, बट इन टुकड़ों का अलग अलग नाम कैसे हो गया। अगर वो टुकड़ा अर्थ के एटमोसफियर में आ गया और अर्थ के एटमोसफियर की लेयर मीजोस्फियर में अगर वो बर्न हो गया तो वो मिटियोर बन गया, अगर वो नीचे आ गया अर्थ के सरफेस पे वो मिट्रोइड है, अगर वो ऊपर ही रह गया स्पेस में तो वो मिट्रोइड है, यही है। तीनों में कॉमन चीज़ तो यही है कि ये टुकड़े होते हैं, किसके टुकड़े होते हैं, एस्ट्रॉइड और प्लैनेट से निकल कर बने हुए टुकड़े होते हैं, बट इनको नाम कैसे कैसे अलग दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। सो ये था जी क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी, मिट्रोइड। मिट्रोइड वो है जो अर्थ के एटमोसफेयर में बर्न नहीं होते, सीधा अर्थ के कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, वो मिट्रोइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, पोर्ट एंड यूज में लोकेशन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चिटागोंग पोर्ट कहाँ पे है, बांग्लादेश में। देखिए बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे देखिए उसने पूछा करेक्टली मैच्ड, तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, बी नहीं हो सकती, सी नहीं हो सकती, फर्स्ट या तो ए होगी ऑप्शन, या बी तो हो नहीं सकती, सी भी नहीं हो सकती, या तो ए होगा और या डी होगा। सेकंड देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट ये श्रीलंका में है, ये भी बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा क्योंकि सेकंड देखिए आप डी में है, ए में फर्स्ट ओनली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर देते हैं सबसे पहले इसे सारा इरेज। पोर्ट इन न्यूज लोकेशन, चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश में है, बिल्कुल सही है। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में है, बिल्कुल सही है। पोर्ट सूडान जो है सूडान में है, बिल्कुल सही है।
उसने पूछा था करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है ना, 13 के 13 मेजर पोर्ट्स इंडिया के आपको याद होने चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, पेयर में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे नहीं आने वाला कि मोरमुगाव पोर्ट कहाँ पे है, गोवा, कर्नाटका, नहीं। पीपीएससी इतना लेवल नहीं है, इतना छोटा लेवल नहीं है, मीडियम लेवल है इसका पीपीएससी का। तो आपको पेयर में आ सकता है कि देखो चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है, कोची केरला में है, ठीक है, मोरमुगाव गोवा में है, कोलकाता का दे देगा, सॉरी ऐसे दे देगा कि कांडला वेस्ट बंगाल में है, बट गलत है, कांडला तो गुजरात में है। मेरे कहने का मतलब ये, आपको 13 मेजर पोर्ट्स आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। ये कौन सी कमेटी है जी, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। आइए कुछ विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी ना दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री छोटा छोटा लिख देते हैं, जल्दी अपने को आगे आगे चलना है। पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं एक, और एक होती है एडहॉक कमेटीज। अगर मैं स्टैंडिंग कमेटीज की बात करूँ ना, तो स्टैंडिंग कमेटी को 6 कैटेगरीज में बांटा गया, और स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, और जो एडहॉक कमेटी होती है ना, ये टेम्परेरी होती है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए इसे बनाया जाता है। अब आपको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज और एक होती है एडहॉक कमेटीज। जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो परमानेंट होती है, जो एडहॉक कमेटी होती है टेम्परेरी होती है। अगर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग कमेटी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और 6 पार्ट में ना, पहला पार्ट आता है फिनांस कमेटीज, मतलब कि स्टैंडिंग कमेटी में 6 पार्ट है, 6 पार्ट में अलग अलग कमेटीज हैं, इसलिए अपने को इतनी अब डिटेल में नहीं जाना है। कल अपना एग्जाम है, तो मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग कमेटी को 6 कैटेगरी में बांटा गया, आगे 6 कैटेगरी में भी आगे कैटेगरीज है। जैसे स्टैंडिंग कमेटी की जो 6th कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी है फिनांस अकाउंट्स की, सॉरी फिनांस कमेटीज की, उस फिनांस कमेटीज में अब 3 कमेटीज आती हैं। एक आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक आती है एस्टीमेट कमेटी, एक आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब मेरे कहने का मतलब यह है, जो पब्लिक कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है। स्टैंडिंग कमेटी की 6 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी है फिनांस कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी फिनांस कमेटी का हिस्सा है, और फिनांस कमेटी किसका हिस्सा है जी, स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आइए पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं। उसने क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा है। वन सेकेंड, मैं ना चार्ज करूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पूछा गया, और उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आइए पढ़ते हैं, 3 स्टेटमेंट है आपके सामने। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये गलत है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में ना 22 मेंबर्स होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। पब्लिक अकाउंट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी 6 कैटेगरी में डिवाइड है, उसमें पहली कैटेगरी आती है फिनांस कमेटी की, फिनांशियल कमेटीज की, सॉरी फिनांशियल कमेटी का हिस्सा है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किसका हिस्सा है, स्टैंडिंग कमेटी का। चलिए जी, अपने बारे में ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर अपने बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट के बारे में क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये चीज़ गलत लिखी गई है। उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, है ना, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता ना, और ए और डी तो चले गए, या तो ऑप्शन बी राइट होगी या ऑप्शन सी राइट होगी। देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। 15 और 7 22 होता है ना, फर्स्ट तो गलत होगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, ये सिक्योरिटीनाइज करती है, चेक करती है अप्रोप्रिएशन एंड फिनांस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है, करती है गवर्नमेंट के फिनांस अकाउंट्स चेक, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स करती है, सेकंड सही था। अब आंसर क्या आना था, या तो बी होगा या सी होगा, अब सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी में थर्ड ओनली बोला है,
और सेकंड तो सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड ओनली। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़नी है, आगे भी हमें पढ़ना है। जैसे मैं आपको बात करूँ, वन सेकेंड आप पेन बदल लें, अगर मैं आपके बात करूँ ना आगे, एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कैग, क्या ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी? बिल्कुल करती है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी इज राइट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। देखो क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो सही नहीं थी, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, उसने पूछा था करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। 16 का क्या आंसर आएगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। अब मैं जल्दी जल्दी आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अगर अपने बात करें ना पब्लिक अकाउंट कमेटी की, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाया गया था, इसे सेट किया गया था 1921 में, बट किस एक्ट की प्रोविजन के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। इसमें 22 मेंबर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया 15 कहाँ से हैं, लोकसभा से हैं, और 7 कहाँ से हैं, राज्यसभा से हैं। जो ये मेंबर्स होती हैं ना, वो इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, हर साल किए जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स में से ही किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के किए जाते हैं ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टर्म क्या है ऑफिस ऑफ मेंबर्स की, ये जो मेंबर्स होते हैं इनकी टर्म क्या होती है, इनकी टर्म होती है एक साल की। अब मैं आपको ये जल्दी क्विकली क्विकली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है कि ये बता दो ये बता दो, अपने को अब जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कल एग्जाम है, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। पब्लिक अकाउंट कमेटी को कब बनाया गया, 1921 में बनाया गया, किस प्रोविज़न के अंदर बनाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के प्रोविज़न के अंदर बनाया गया। इसमें 22 मेंबर हैं, 15 कहाँ से हैं, लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं, इनके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, हर साल किए जाते हैं, अब मेंबर्स में से ही किए जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स में से ही किए जाते हैं, बट क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब एक चीज़ और याद रखना, एक मिनिस्टर ना मेंबर नहीं बन सकता कमेटी का, ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। ओके, चलिए जी, इतना काफ़ी है, और बहुत सारे वैसे पॉइंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, बट अगर आपको कमेटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको मेंबर्स बताने चाहिए, मेंबर्स की ना आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे और बहुत सारे पॉइंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, बट अपने जल्दी जल्दी आगे जाना है, जल्दी जल्दी कवर करना है, क्योंकि मुझे एक पार्ट और लेकर आना है। सो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, सॉरी, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया। अगर आप वोट डालते हैं एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, वो कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या नेचुरल राइट है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता, वो लीगल बता देता है, फंडामेंटल बता देगा, नेचुरल बता देगा, ज़्यादातर फंडामेंटल की तरफ ही ध्यान जाता है लोगों का, बच्चों का। तो राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। जो आर्टिकल 326 है ना, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है। आर्टिकल 326 ही राइट टू वोट से रिलेटेड है। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल 326 है, ये बोलता था, आर्टिकल 326 ये बोलता था, इसमें ये लिखा था 1988 तक वोटिंग का अधिकार सिर्फ 21 ईयर्स वाले बंदे को ही था। आर्टिकल 326 में ये लिखा था आर्टिकल 326 ये बोलता था कि जो वोटिंग का अधिकार है, जो बंदा 21 साल का है सिर्फ उसे ही है। 1988 तक 21 साल का अधिकार था, बट फिर क्या हुआ ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई 1988 में, उसने जो वोटिंग एज थी वो 21 से क्या कर दी, 18 ईयर्स कर दी। अब आपको पता ही होगा कि जो 18 ईयर्स का बंदा है वो भी जाके वोट डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 1949 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द,
एक ना 1929 का सेशन हुआ था आईएनसी का, कहाँ पे हुआ था? लाहौर सेशन इसे बोला जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है ये, आपको पता है बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है, पता ही होगा, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उसे तो पता ही होगा, जिसने नहीं पढ़ी उसे नहीं पता होगा। वन सेकेंड, मैं आगे करती हूँ। हाँ जी, अगर आप बात करें ना 1929 का सेशन, 1929 का जो सेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लाहौर का सेशन था, लाहौर का सेशन था। इसे प्रिजाइड कौन कर रहा था? प्रिजाइड का मतलब है कि इसका इसे इसका प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने ना जवाहरलाल नेहरू को चूज़ किया था इसका प्रेसिडेंट, क्योंकि उस टाइम ना सिचुएशन ऐसी थी कि ना कांग्रेस में ना पूरी हलचल मची हुई थी। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे तरह से सारा का सारा काम लीड कर सकती हैं, इस टाइम बहुत ख़राब सिचुएशन है कांग्रेस में, तो ये एक अच्छी पर्सनैलिटी है कि ये सारा कुछ अच्छे से लीडरशिप का रोल अच्छे से अदा कर सकती हैं। अपोज भी किया था महात्मा गांधी के इस डिसीजन को कि जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया, बट जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने बना दिया। महात्मा गांधी का जो दिल करेगा वो करेंगे। देखिए, जो 1929 का सेशन है उसे लाहौर सेशन बोला जाता है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे प्रिजाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पे बात हुई थी पूर्णा स्वराज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है किसी पेपर्स में कि पूर्णा स्वराज रिजोल्यूशंस कौन से आईएनसी के कौन से सेशन से निकल कर आया था, तो 1929 के सेशन से निकल कर आया था। 1929 ये सेशन हुआ कब था? दिसंबर में। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ पूर्णा स्वराज रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताने की कोशिश करती हूँ, पीछे की थोड़ी सी स्टोरी, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ी सी स्टोरी। देखो, ये ना नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है ना इसका रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा होता है। साइमन कमीशन का अगर मैं रिलेशन बताऊं तो नेहरू रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, अगर मैं नेहरू रिपोर्ट का रिलेशन बताऊं तो इस लाहौर सेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी स्टोरीज हैं, अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पहले दो पार्ट में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो क्वेश्चन कम हुए और वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। बट क्या है ना, कल पेपर है, अगर कल पेपर नहीं होता ना तो अपन ले के लंबी चले जाते। अब जल्दी से जल्दी क्विकली करने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइमन कमीशन बनाया गया था, है ना, साइमन कमीशन जब बनाया गया तो इंडिया के लोगों को साइमन कमीशन पसंद नहीं आया। इंडिया के लोगों ने बोला कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, अगर आप हमारे लिए बना रहे हो तो उसमें आप इंडिया के मेंबर ही नहीं रख रहे, क्योंकि साइमन कमीशन में सात के सात मेंबर कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, सातों के सातों वाइट मेंबर थे। ये बात इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आई, इंडिया के लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, बोला अगर आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो आप उसमें इंडिया को बंदा ही नहीं ले रहे, तो हम इस साइमन कमीशन को रिजेक्ट करते हैं। जब उन्हें पूछा गया कि आपने साइमन कमीशन में इंडिया का कोई बंदा नहीं लिया, उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकेनहेड ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला मैं साइमन कमीशन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि जो इंडिया के लोग हैं वो कैपेबल ही नहीं है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना ही नहीं सकते। तो लॉर्ड बिरकेनहेड ने चैलेंज किया था कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बना के दिखाइए, इंडिया के लोगों को चैलेंज किया कि जिसमें आप सारी अपनी जो इंडिया की कम्युनिटी है ना सभी को खुश कर पाएं। इसलिए बनी थी नेहरू रिपोर्ट, इसलिए नेहरू रिपोर्ट पिक्चर में आई थी। मैं आपको छोटा छोटा बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को अच्छी तरह। इसलिए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, अब इसका लाहौर सेशन से क्या कनेक्टेड है वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे ज़रूर पूछ लेना, मैं आप जल्दी जल्दी बताने वाली हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या किया गया ना, नेहरू रिपोर्ट दिसंबर की 1928 है ना, दिसंबर 1928 में जो ये नेहरू रिपोर्ट थी ना उन्होंने बना ली, उन्होंने लॉर्ड बिरकेन, इंडिया के लोगों ने लॉर्ड बिरकेन हेड का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट दिसंबर 1928 को इसको सौंप दी गई ब्रिटिशर्स को, और इंडिया के लोगों ने ये बोला कि हमने ये नेहरू रिपोर्ट बना दी है और हम आपको एक साल का वक्त देते हैं। किसको बोला? इंडिया के लोगों ने बोला। किनको बोला? ब्रिटिशर्स को बोला। नेहरू रिपोर्ट बना दी गई दिसंबर 1928 में, ये नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को दे दी गई और उन्हें टाइम दिया गया एक साल का, मतलब दिसंबर 1929 का टाइम दिया गया। उन्होंने बोला इंडिया के लोगों ने कि अगर एक साल का आपके पास टाइम है अंग्रेजों, या तो आप इस नेहरू रिपोर्ट को लागू कर देना और या हमें कोई जवाब देना। बट एक साल बीत गया, दिसंबर 1929 का समय आया, ना तो अंग्रेजों ने जवाब दिया नेहरू रिपोर्ट पर और ना ही इसकी कोई चर्चा की, ना नेहरू रिपोर्ट को लागू किया। तो इसलिए दिसंबर 1929 में लाहौर का सेशन आया,
तब आया दिसंबर 1929 में लाहौर का सेशन आया। लाहौर के सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू ने पता क्या बोला कि देखिए अब हमें क्या करना है ना, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस? जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 लाहौर के सेशन में ये बात बोली, कहते अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमने ब्रिटिशर्स को एक साल का टाइम दिया था नेहरू रिपोर्ट को लागू करने का, बट उन्होंने नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं की। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ना मोतीलाल नेहरू ने, उसमें डोमिनियन स्टेटस लिखा गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, इंडिया ने बोला था नेहरू रिपोर्ट में लिखकर। अब जब लाहौर का सेशन आया दिसंबर 1929 जिसे प्रेसाइड जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के सेशन में इंडिया के लोगों से ये बोला कि हमने एक साल का टाइम दिया था अंग्रेजों को, उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया और हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, इन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया ना, कहते अब छोड़ो हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने ये भरी सभा में बात बोली, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए लाहौर सेशन 1929 में ये कंसेप्ट निकल के आया था पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। इसी सेशन में जो कांग्रेस थी उसने अपना विचार बदल लिया था, उसने बोला अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए भी नहीं, अब अंग्रेज देंगे भी ना तो भी हमें नहीं लेना, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसी सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी कही गई थी जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्विकली, ठीक है। इसी सेशन में लाहौर के सेशन में ये बात बोली गई कि हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकट करना है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, हमारा जो एम है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये बोला गया था। प्रिजाइड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बोला हमें बॉयकट करना है। किसको बॉयकट करना है? बॉयकट का मतलब है हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करना, हमारा जो एम है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। और उन्होंने ये भी बोला, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई और बोला गया, मतलब महात्मा गांधी जी की अंडर को, महात्मा गांधी जी को ये बोला गया कि आप सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट करो, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। तो और इस सेशन में बोला गया कि जनवरी 26, 1930 को उन्होंने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया। आज भी आप देखते तो जनवरी 26 को रिपब्लिक डे बनाया जाता है इसी सेशन में। और क्या हुआ था दिसंबर 31, 1929 को जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रिवर रावी पे अपना जो फ्लैग था वो भी लहराया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया, अब आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज द अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट। ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी इज राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडिया। बड़े सारे मोशन होते हैं, देखो पेपर के लिए, चाहे नैप का पेपर है चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर है, इस पार्लियामेंट के चैप्टर को पढ़ के जाना। पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। पार्लियामेंट में जितने भी मोशन है वो आपको आने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछा है। और नीचे क्या पूछा है, करेक्ट है या नॉट करेक्ट है? देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। अगर बात करें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मेंशन है? देयर इज नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो जो अपना संविधान है ना उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात नहीं की गई, तो फर्स्ट तो सही है, ए फर्स्ट ओनली या सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बी तो हो ही नहीं सकता सेकंड ओनली, नाइदर भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट तो सही है, या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। बिल्कुल सही है, जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ना वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? ऑप्शन सी इज राइट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। आपको पता होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट सही थी। नो कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका आंसर क्या आएगा जी? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड।
अगर मैं आपको बात करूँ ना आर्टिकल 75 की, तो आर्टिकल 75 पता क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही होते हैं आके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 75 की, मुद्दे पे आते हैं, आर्टिकल 75 की मैं अगर बात करूँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, ये आपको बात याद रखनी है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक लोकसभा की मेजोरिटी इनके पास है। ये कहीं ना कहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इन्हें हेड पता है कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। सारा का सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं, सरकार तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला रही है ना, बट इन्हें हेड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। तो आर्टिकल 75 ये बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के। तो इसमें क्या है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही मैं गवर्नमेंट बोल रही हूँ क्योंकि यही सरकार चला रही है, चाहे इन्हें हेड प्राइम मिनिस्टर कर रही है, हेड तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, सरकार तो यही चला रही है, प्राइम मिनिस्टर ही सारे काम बोलते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक लोकसभा की मेजोरिटी इनके साथ है। जब तक लोकसभा की मेजोरिटी इनके साथ है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टिके रहेंगे, लोकसभा की मेजोरिटी गई तो ये भी गए, अगर लोकसभा की मेजोरिटी चली गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ठीक है। मान लो आज के टाइम पे ना, अपने रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी की है ना रूलिंग पार्टी। अगर मान लो इनके काम करने से लोकसभा के मेंबर खुश नहीं है, अगर ये काम कर रहे हैं तो रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है। इनके काम करने से वे से लोकसभा के मेंबर अगर परेशान है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाएगा, ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाएगा। अब इस रूलिंग पार्टी को ऑन द फ्लोर अपनी मेजोरिटी को शो करना पड़ेगा, अगर ये अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती हैं तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन ऐसे पास किया जाता है। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो आप धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे इन द सेंस अब अपने पास टाइम कम है तो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अब आप ये बताइए, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके लिए कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए अगर अपने को पास करना है? ये अब आपको पता होना चाहिए ना, आपका कल पेपर है, पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ा है आपने, तो आपको पता होना चाहिए इस बात का। अब आइए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब जो चार्टर एक्ट था ना 1813 का, अब देखिए एक्ट में से ना आपको क्वेश्चन आ सकता है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मान लो उसे, चाहे आप पॉलिटी का क्वेश्चन मान लो। एक्ट कौन कौन से है? कंपनी रूल, क्राउन रूल। कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक, और क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक। राइटिंग में मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। कंपनी रूल और क्राउन रूल, कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक चला। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया वॉरेन हेस्टिंग्स। 1858 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जब कंपनी का नामो निशान खत्म कर दिया और सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 से 1947। आइए 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इसे रिमूव कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो, जो आपके सामने क्या उसने पूछा है? करेक्ट पूछा है। आइए तीन स्टेटमेंट है पढ़ते हैं। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इस एक्ट में क्या हो गया था ना, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई थी। यस, बिल्कुल सही है। बट मोनोपोली का मतलब पता क्या होता था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो ही सिर्फ व्यापार कर सकती थी इंडिया में, कोई और कंट्री इंडिया में व्यापार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा का सारा कब्जा कर रखा था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई, लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी, किस किस को भगा दिया, पोर्टुगीज, ठीक है, फ्रेंच, डच, इसका सारा कब्जा हो गया था। तो चार्टर एक्ट में ये बात बोली गई कि जो ट्रेड मोनोपोली है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ख़त्म कर दी जाए। अब बाहर से कंट्रीज आके भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, बट अभी भी मोनोपोली इस एक्ट में ख़त्म तो कर दी गई, बट चाय में और ट्रेड विद चाइना में रखी गई कि चाइना के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली ट्रेड कर सकती है, और चाय में भी अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है।
तो क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, देखिए उसने पूछा करेक्ट। तो फर्स्ट देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। या तो आंसर ए होगा या सी होगा और या डी होगा, बी तो हरगिज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चलिए, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। सेकेंड स्टेटमेंट बी सही है। अब देखिए आपने चूज किया था ए सी या डी, अब सेकेंड भी सही है। तो सेकेंड देखिए सी में तो नहीं है, सेकेंड तो सी तो हो नहीं सकता। या आंसर ए होगा या आंसर डी होएगा, या तो आंसर ए होगा या आंसर डी होगा, ये तो ठीक है। या फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली होगा या फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि 1813 वाले एक्ट में जो रिवेन्यू थे इंडिया के, अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चले गए थे। ये स्टेटमेंट गलत है, पता है क्यों? क्योंकि जो रिवेन्यू था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। कब लिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो 1813 में कोई ये नई बात नहीं हुई, रिवेन्यू पे कंट्रोल ऑलरेडी ब्रिटिश पार्लियामेंट ले चुकी थी। द रिवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में ले चुकी। तो थर्ड तो सही नहीं है ना, या तो ए था आंसर या तो डी था, थर्ड भी सही नहीं है। तो इसका आंसर पता क्या आएगा? ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। वो बोल रहा है कि 1813 के एक्ट में क्या रिवेन्यू ऑफ इंडिया जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करने लग गई थी? वो तो 1813 से पहले ही करने लग गई थी। कब? अब मैं आपको बताती हूँ। देखो जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, पिट्स इंडिया एक्ट, ए कंपनी रूल का एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या हुआ था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी थे, ओके। यहाँ पे एक नई पोस्ट बिठाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कंपनी को, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दे दिया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, इन्हें क्या दे दिया गया? कमर्शियल काम दे दिए गए। यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमर्शियल और पॉलिटिकल काम थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, ये बात आपको याद रखना है। कमर्शियल होता है आप ट्रेड करो, पॉलिटिकल होता है आप सरकार चलाओ। पॉलिटिकल में रिवेन्यू भी आता है, सिविल और मिलिट्री काम भी आते हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब ये बोल दिया गया आप पॉलिटिकल काम करो जी। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पोस्ट थी ना, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आई थी, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काम करते थे, सॉरी कहीं ना कहीं कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। ये कंपनी भी तो ब्रिटिशर्स की ही थी, अगर आपने एक्ट पढ़े तो आपको पता ही होगा ना, ये जो ब्रिटिशर्स थे वो कंपनी के जरिए इंडिया पे राज कर रहे थे। बट ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये डर था कि जो हमने कंपनी इंडिया में भेजी है, कहीं उनके बंदे खुद ही ना इंडिया में राज करने लग जाएं और हमें पीछे प्रॉफिट देना बंद कर दें। ये ब्रिटिशर्स को डर था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने धीरे 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 कंपनी से सारी पावर्स लेनी शुरू कर दी थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने ये काम कर दिया था। उन्होंने क्या किया, एक नई पोस्ट बना दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस एक्ट में उन्होंने कमर्शियल और पॉलिटिकल अलग अलग काम कर दिए। कमर्शियल जो बोला कि जो ट्रेड है वो तो कंपनी करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आएगा, और जो पॉलिटिकल काम है ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधा सीधा किसे रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बात आपको याद रखनी है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ही कहीं ना कहीं आ जाता है रिवेन्यू, मतलब पॉलिटिकल काम में ही आ जाता है। तो इस एक्ट में कहीं ना कहीं जो रिवेन्यू का फंडा था ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथों ले लिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आएगा। थोड़े से और पॉइंट अपने पढ़ने की कोशिश करते हैं 1813 के एक्ट में। अब मैं बात करती हूँ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब मैंने आपको बताया ना कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कहीं ना कहीं मोनोपोली खत्म हो गई, किसकी? कंपनी की, ट्रेड करने की इंडिया में। बट किसके साथ रही? चाय के साथ रही, और चाइना के साथ रहेगी, चाय में रहेगी, चाइना के साथ रहेगी। बट जब 1833 वाला एक्ट आएगा ना, 1833 वाला एक्ट, 1833 वाला एक्ट, तब क्या होगा? पूरा का पूरा ही ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेड करने वाला जो काम था वो ले लिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी एज अ कमर्शियल बॉडी वो खत्म कर दी जाएंगी, वो ट्रेड भी नहीं करेगी। अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब ये होता है जो ब्रिटिश सरकार उसको पीछे से बोलेगी ना, बस वही काम करेगी अब कंपनी। 1833 में सारे के सारे राइट ले लिए गए थे, कमर्शियल काम खत्म,
अब किसी के साथ व्यापार नहीं करना, खत्म करो कहानी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। 1813 के आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अब जो चार्टर एक्ट 1813 है ना, जिसके बारे में क्वेश्चन था, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें क्या हो गया था ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्हें अलाउ किया गया कि आप इंडिया में आइए और अपना प्रचार करिए, ठीक है। और इसी एक्ट में क्या हो गया था ना कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसे फैलाना शुरू कर दिया गया था। और हाँ, बस ये वाले पॉइंट कुछ थे जो इंपॉर्टेंट थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए जो सोशल रिफॉर्म है ना, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे या कुछ भी था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर अपने बात करते हैं ना सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की, तो उसे फाउंड किसने किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप गोपाल कृष्णा गोखले भी बोल सकते हैं, गोपाल कृष्णा गोखले भी बोला जा सकता है, और गोपाल कृष्ण गोखले भी बोला जा, ओके, गोपाल गणेश अगरकर, नो, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख वही बंदे हैं जिन्हें लोका हितावाड़ी के नाम से जाना जाता है, लोका हितावाड़ी के नाम से जाना जाता है, ओके। गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वरचंद्रा विद्यासागर, ईश्वरचंद्रा विद्यासागर वही बंदे जिन्होंने विडो रिमैरिज के लिए बहुत बड़ा काम किया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसे फाउंड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था फाउंड, June 12, 1905 में किया था। कहाँ पे किया था, पुणे महाराष्ट्र में किया था। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, ठीक है। इन्होंने कब स्टार्ट की थी, June 12, 1905 में की थी, पुणे महाराष्ट्र में की थी, किसकी हेल्प के साथ की थी, MG रानाडे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 22, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये इंस्टीट्यूशन है, ये फाउंडर है, क्या इंस्टीट्यूशन के साथ जो फाउंडर लिखे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि हमें करेक्ट बताना है। सबसे पहले आप देखिए, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, इसके फाउंडर विलियम जोन्स थे, ये गलत है, इसके फाउंडर विलियम जोन्स नहीं थे। तो नीचे देखिए, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए भी चली गई और ऑप्शन सी भी चली गई। जो संस्कृत कॉलेज एट बनारस था, उसके फाउंडर कौन थे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सेकंड की बात करते हैं, कलकत्ता मद्रासा की बात करते हैं, तो उसके जो फाउंडर थे वॉरेन हेस्टिंग थे, ये बिल्कुल सही है, सेकंड तो सही है। अब देखिए, या तो ऑप्शन बी आंसर आएगा या डी आएगा, तो बी में है सेकंड ओनली, तो देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड भी गलत है, बट थर्ड पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप बात करें ना फोर्ट विलियम कॉलेज, तो अर्थर वेल्सली, इसके फाउंडर अर्थर वेल्सली नहीं है। आइए मैं आपको बताती हूँ जल्दी जल्दी इनके फाउंडर कौन कौन है, ठीक है। इसका आंसर आपको पता चल गया ना, सिर्फ सेकंड ही सही था, जो कलकत्ता मद्रासा थे उसके फाउंडर वॉरेन हेस्टिंग है, सेकंड ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो संस्कृत कॉलेज है बनारस, अपने को जल्दी जल्दी करना है ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आना है आपके लिए। अभी मैं इकट्ठे भी करवा देती है ना, मैं इकट्ठे इसलिए नहीं करवा रही, आप भी एक घंटे की क्लास देखने के बाद बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं चाहती तो 50 इकट्ठे करवा देती, ओके। अगर अपने संस्कृत कॉलेज एट बनारस की बात करें ना, तो इसे फाउंड किया गया था 1791 में, और इसे फाउंड किसने किया था, जोनाथन डनकन ने, जोनाथन डनकन, ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट है कलकत्ता मद्रासा, इसे फाउंड किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। कब किया था, अक्टूबर 1780 में, ये बात आपको याद रखनी है। फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने फाउंड किया था, लॉर्ड वेल्सली ने, यहाँ पे अर्थर वेल्सली या लॉर्ड वेल्सली आएगा, लॉर्ड वेल्सली ने किया था, कब किया था, July 1800 में, तो यही क्वेश्चन था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो 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 जल्दी चलो। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इट इज चेयर्ड बाय, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो न्यूज़ में है, उसे चेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट, फिनांस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन सी इज राइट, प्राइम मिनिस्टर, ये सीधा सीधा आपको आना चाहिए। जो भी कमेटी होती है जो कि न्यूज़ में होती है, आपको पता होना चाहिए उसे चेयर कौन करता है, पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल होती है ना, इसका जो चेयरमैन होता है ना, वो होता है फिनांस मिनिस्टर। आज के टाइम पे फिनांस मिनिस्टर कौन है, नीचे कमेंट करके बताओ, बच्चा बच्चा जानता होगा, आप भी जानते होंगे, आप तो PBSC का एग्जाम देने वाले हैं तो जानते होंगे, है ना। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के, और पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया, करेक्ट, ओके।
With reference to Financial Stability and Development Council, consider the following statement. Which of the statement given above are correct? आइए बात करते हैं FSDC की. देखिए जो FSDC है ना, वो स्टैचुरी बॉडी है क्या? इसे हेड RBI गवर्नर करता है क्या? आपको पता है? देखिए इसका जो चेयरमैन है, मैंने अभी आपको बता दिया, फिनांस मिनिस्टर है, तो इसे हेड RBI गवर्नर नहीं करता. थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी. उसने पूछा था करेक्ट, थर्ड तो गई जी, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन बी भी गया. आंसर या तो सी होगा या तो आंसर डी होगा. जो RBI का गवर्नर होता है ना, वो इसका मेंबर होता है, इसे हेड नहीं करता, इसे हेड फिनांस मिनिस्टर करते हैं. ये बात आप पल्ले बांध लेना मेरी. थर्ड तो गई चली ना, ऑप्शन ए भी गई और ऑप्शन बी भी गई, या तो सी रहेगी या तो डी रहेगी. आंसर या तो सी होगा और या तो आंसर डी होगा. इरेज कर लें, फिर आप कहोगे क्या मैस फैला दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्या बोला जाता है. चलो जी, वन सेकेंड. कलम पता नहीं, ये पंजाबी में हुआ पड़ा, मेरे को भी नहीं पता क्यों. ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज हर करेक्ट. अब देखिए, डिसाइडेड बाय द RBI गवर्नर, ये गलत था, तो थर्ड गई चली, ऑप्शन सी आंसर होगा या ऑप्शन डी आंसर होगा, या तो फर्स्ट ओनली या डी. सो इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी. एक स्टैचुरी बॉडी है, गलत है. ये एक स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ये अपेक्स लेवल बॉडी है. ये कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही स्टैचुरी है. कॉन्स्टिट्यूशन किसे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करके इसे बनाया गया हो. स्टैचुरी का मतलब है पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके इसे बनाया हो. तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना ही ये स्टैचुरी बॉडी है. तो सेकंड पे गया ना, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट. बट पहली स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, मैंने समझाया, पेपर में याद रखना, पढ़ के आना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ओनली सही है. द आइडिया फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज गिवन बाय द रघुराम राजन कमेटी. जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को बनाने का जो आइडिया था, वो रघुराम राजन कमेटी ने दिया था. बिल्कुल सही है, रघुराम राजन कमेटी ने दिया था 2008 में. और 2010 में जब फिनांस मिनिस्टर थे ना, 2010 में फिनांस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने रघुराम राजन के इस आइडिया को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था. फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल आ गई थी. ये बात आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है. ओके जी, ये बात आपको याद रखनी है. अगर मैं बात करूँ ना फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, तो ये एक अपेक्स लेवल बॉडी है. इसे कॉन्स्टिट्यूट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. ओके, ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है. इसे हेड कौन करता है, इसे हेड करते हैं फिनांस मिनिस्टर, इसे हेड करते हैं. रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में इसका मतलब कि दिया था, पहली बार इसका जो कंसेप्ट था ना, रघुराम राजन जो कमेटी थी वो ही लेके आई थी 2008 में. तो 2010 में जो फिनांस मिनिस्टर थे ना, उस टाइम पे कौन थे, प्रणब मुखर्जी. उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक ऐसी, जो रघुराम राजन ने बोला ये बनाई जाए, तो उन्होंने 2010 में बना दी थी. ठीक है जी. अब इसके चेयरमैन मैंने आपको बता दिया, चेयरपर्सन कौन होता है, फिनांस मिनिस्टर. अब गवर्नर देखिए, ये देखिए मैंने लगा दिया, चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब मेंबर्स देखिए कौन कौन है. गवर्नर, RBI का जो गवर्नर है वो मेंबर होता है. ये आप सारा देख लेना. ठीक है, अपने को ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल स्टैचुरी बॉडी नहीं है, अपेक्स लेवल बॉडी है. ये आपको बात याद रखनी है. किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये याद रखना है. इसे हेड कौन करता है, फिनांस मिनिस्टर हेड करता है. इसका आइडिया किसने दिया था, रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में. 2010 में इसे अप्लाई कर दिया गया इस आइडिया को. उस टाइम जो फिनांस मिनिस्टर थे कौन थे, प्रणब मुखर्जी ने इस आइडिया को लागू कर दिया था. ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है. बाकी आप ये वाले मेंबर सारे देख लेना. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. अब मैंने आपको कल वाले पार्ट में भी ये बताया था, ये जो G20, G7, ये सारी की सारी जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको पता होना चाहिए इंडिया मेंबर है या नहीं है. एशियान और भी जितने भी हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसमें मेंबर है या नहीं है. अब मैं OIC की बात करूँ ना, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इनका मेंबर है या इंडिया इनका मेंबर नहीं है. ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. आइए, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, OIC के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में. नीचे क्या पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तीन स्टेटमेंट है, तीनों को पढ़ते हैं.
सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द OIC, इंडिया मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन का, नहीं है तो थर्ड तो गई चली जी, थर्ड गई, या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या तो आंसर ऑप्शन बी होएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेड़ा सऊदी अरबिया, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है सऊदी अरबिया में, सेकंड सही है। अब देखो सेकंड ए में भी है और सेकंड बी में भी है, आंसर या तो ए होगा या बी होगा। फर्स्ट देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड द सेकंड इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, ये जो फर्स्ट है फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो जो OIC है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में है, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, आपको पेपर में ये भी आ सकता है फर्स्ट लार्जेस्ट है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट, थर्ड करेक्ट नहीं है क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन का, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन को फाउंड किया गया था 1969 में, 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, 57 मेंबर स्टेट्स हैं। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस को, ये एक वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की, आपको इसके दिखाई दे रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओके 57 मेंबर स्टेट है। इसका जो चार्टर था ना वो साइंड किया गया था 1969 में, 25 सितंबर 1969 में, ठीक है जी, ओके। सो ये था पार्ट थर्ड, अब आप पार्ट फोर्थ करेंगे, पार्ट फोर्थ भी आपको इवनिंग तक मिल जाएगा, ठीक है जी, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड क्वेश्चंस को सोल्व करिए और अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा चेक करिए, मैंने आपको साथ साथ बताया भी है, आपको एक्सरसाइज देख के जानी है, आपको यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है वो देख के जाना है, यूक्रेन किस किस के साथ बॉर्डर टच करता है, रशिया किस किस के साथ बॉर्डर टच करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, G20, G7, OIC, RCEP, बिम्स्टेक, SAARC, आपको पता होना चाहिए उनकी मीटिंग कब कब हुई है, 2022 में एशियान, ठीक है, आपको ये भी पता, अगर उनके मेंबर कम है तो आपको मेंबर भी आने चाहिए, ठीक है, जैसे एशियान में 10 हैं तो 10 आपको पता होने चाहिए। और हाँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं इसीलिए इस वे में लेके आई हूँ ताकि मैं आपको बता भी सकूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं।